हेलो दोस्तों, हेलो, अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त तबसुम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेजिंग के मरकजी शहर चेमन स्ट्रीट के पास एक बेजिंग एक्सपेशन हॉल नामी, ये जो एक एक्सपेशन नुमाइशी हॉल में मौजूद हूँ। और यहाँ इस एक्सपीशन हॉल में, इस नुमाइश हॉल में हम जो बीजिंग शहर की तारीख और आज की सूरत हाल के हवाले से बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं और इस सिटी की तरक्की के हवाले से और इस बीजिंग शहर की प्लानिंग के हवाले से बहुत ज्यादा सीख सकते हैं और बेहतर भी जान सकते हैं। और आप देखिए, मेरे पीछे है इस वक्त बैकग्राउंड पे दरअसल ये दीवार पर लगाया हुआ एक स्टील प्लांट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्टील प्लांट का वजन क्या है। हेलो, आप सबको खुश आमदीद कैसे हैं? अबीद खान, आपको खुश आमदीद कैसे हैं? आप, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जुनैद निहाओ कैसे हैं? आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वक्त मैं बीजिंग में मौजूद हूँ और बीजिंग में जो बीजिंग शहर की मनसूबा बंदी के हवाले से एक नुमाइशी हॉल में और यहाँ बीजिंग शहर के हवाले से जो मुख्तलिफ मौजूदात पर नुमाइशें मुनाकिद की जाती हैं। और आप देखिए, मेरे पीछे है ये जो स्टील से बना हुआ एक नक्शा है और दरअसल ये बीजिंग के कदीम शहर का नक्शा है। और आप देखिए, और मेरे मेरा एक सवाल है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे पीछे है स्टील से बना हुआ ये जो नक्शा है, इसकी वजन कितनी ज्यादा है? आप अंदाजा लगाएं और फिर कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैंने सुना है कि मेरे पीछे इस ये जो स्टील से बना हुआ ये मॉडल है, ये नक्शा है, इसका वजन है तकरीबन 10 टन है, 10 टन। और ये जो बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। और इस नक्शे पर क्या नक्काशी की जाती है हम साथ साथ देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस स्टील नक्शे पर ये जो येलो रंग वाला ये जो एरिया है, दरअसल ये बीजिंग शहर के मार्केट में वाके दुनिया भर में ही बहुत मशहूर फॉरबिडन सिटी है। और आप देख सकते हैं कि ये सुनहरी रंग में, और इसके बाद ये दो छेल है, ये बीजिंग के हो हाई एरिया है। अगर आप बीजिंग जाते हैं आप जरूर जानते हैं कि हो हाई और बेहाई पार्क बीजिंग के मशहूर सियाहती मकामात में से हैं। और साथ साथ इस स्टील बोर्ड पे, इस स्टील प्लांट पे ये जो बीजिंग शहर के मुख्तलिफ मुनाजिर नक्काशी की गई थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ सहन है, मगांग है, सड़कें हैं और गलियां भी हैं, साथ साथ दरिया भी हैं और झील भी हैं। बेशक फॉरबिडन सिटी जैसे बहुत मशहूर और तारीखी इमारतें हैं, मकामात हैं भी मौजूद हैं। और हम इस वक्त यहाँ इस मॉडल पर एक नजर डालते हैं। जी हाँ, इस नुमाइशी हॉल में यहाँ हमारे सामने नजर आने वाला है ये लकड़ी से बना हुआ ये जो फॉरबिडन सिटी का एक मॉडल है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इस वक्त एक पूरा फॉरबिडन सिटी ये जो दिखाई दे रहा है। अगर आपको मौका मिला आप जरूर, अगर आप बीजिंग आए आप जरूर फॉरबिडन सिटी जाते हैं ना। अगर आप फॉरबिडन सिटी बहरे आपने फॉरबिडन सिटी का दौर गया है
लेकिन शायद क्योंकि फविदन सिटी की इमारत ऊंची इमारतें हैं, और अगर आप फविदन सिटी के अंदर में इसका पूरा व्यू देखना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे सामने इस लकड़ी से बना हुआ ये जो मॉडल की मदद से हम फविदन सिटी पर पूरे फविदन सिटी पर एक नजर डाल सकते हैं, और फविदन सिटी के होल व्यू हम देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं हमारे सामने ये है, ये छियान अनमन गेट टावर है, और आगे जाते जाते फिर फॉरबिडन सिटी के अंदर जाएंगे, और कदीम जमाने में बादशाह की रिहाइश गाह है, बादशाह का दफ्तर है, जो सारी इमारतें हमें इस ये जो मॉडल से देख सकते हैं। फिर भी अगर आप फॉरबिडन सिटी जाने का मौका मिले, आप जरूर जाएं, और अगर इसका होल व्यू देखना चाहते हैं, आप बेशक यहाँ इस नुमाइशी हॉल में विजिट करें, और यहाँ की आप देख सकते हैं कि फॉरबिडन सिटी का होल व्यू कैसा है, और आप भी देख सकते हैं कि फॉरबिडन सिटी के आसपास है यहाँ इस मॉडल पर ये जो ग्रीन एरिया है, दरअसल ये जो दरिया है फॉरबिडन सिटी के चारों तरफ गुजर रहा है, हम चाइनीज जबान में हुचंग को कहते हैं, ये फॉरबिडन सिटी को तहफूज करने के लिए ऐसा दरिया मौजूद है। और हम आगे चलते हैं, हम अभी तो बीजिंग शहर कदीम शहर के हवाले से बहुत सी बातें की हैं, और हमने ये जो बीजिंग के सबसे मशहूर तारीखी मकामात, तारीखी इमारत फॉरबिडन सिटी के हवाले से हमने भी बहुत सी बात की है, और हमने भी देखा है कि फॉरबिडन सिटी का होल व्यू कैसा है, और हम मैं अक्सर अपने आबाई शहर बीजिंग के हवाले से लाइव के जरिए या वीडियोस के जरिए अपने जो आबाई शहर बीजिंग का तारुफ कराती हूँ, लेकिन जब मैं एक जगह जाती हूँ, जैसे अभी मैंने कहा है कि मैं इस जगह के इस मकाम के अंदर में मौजूद हूँ, और फिर भी इसका होल व्यू देखना मुश्किल है। बीजिंग शहर की बात की जाए भी ऐसा है, अगर हम बीजिंग शहर को एक बर्ड व्यू से देखना चाहते हैं, तो हवाई जहाज को सवाल पूछने की जरूरत है या नहीं? हम यहाँ इस नुमाइशी हॉल में एक ऐसा मॉडल भी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक वसीख पैमाने पर फैला हुआ है, ये दो बीजिंग के फोर्थ रिंग रोड के अंदर पे, ये जो हर इमारत को उसकी शिकल के मुताबिक ये मॉडल बनाया हुआ है, और हम देख सकते हैं इस वक्त कैमरा के सामने है ये एरिया है जो मैंने पॉइंट कर ही हूँ, ये दरअसल ये है ये बीजिंग साउथ रेलवे स्टेशन है, और साथ साथ वहाँ आप देख सकते हैं छेल भी है, और बीजिंग शहर में मुख्तलिफ एरिया में ये जो रिहायश गाहें भी हैं, स्टेडियम भी हैं, स्कूल्स भी हैं वगैरह, दफ्तरी इमारतें भी हैं, हम साथ साथ जाकर और देख लेंगे। और आप भी देख सकते हैं कि समर वेकेशन के मौके पर बहुत से लोग यहाँ ये जो इस नुमाइशी हॉल में आते हैं और विजिट करके आते हैं, और बच्चे हैं पेरेंट्स के साथ यहाँ जो मरम्मत सीखने के लिए बीजिंग शहर जाने के लिए, हाँ बच्चे भी पेरेंट्स के साथ साथ आते हैं, और यहाँ भी कुछ स्टडी टूर के लिए बहुत से बच्चे भी आते हैं, और उस्ताद के साथ बीजिंग शहर की तारीख है के हवाले से बहुत कुछ वो सीख सकते हैं, और ये जो मॉडर्न बीजिंग के मॉडर्न एरिया है, हम देख सकते हैं कि यहाँ काफी ज्यादा ये जो ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद हैं, बहुत फैशन लगते हैं ना। और हम भी आगे जा रहे हैं, जी हाँ, बीजिंग एक बहुत बड़ा शहर है, और इस वक्त हमारे सामने ये जो नजर आने वाला ये मॉडल है सिर्फ बीजिंग के फर्स्ट रिंग रोड के अंदर में, ये जो तमाम इमारतें हैं, तमाम बिल्डिंग्स हैं, इसके अलावा दरअसल इस वक्त बीजिंग का एक बहुत वसीख खत्ते पर फैला हुआ है,
बीजिंग शहर और बीजिंग के मुख्तलिफ ये जो मुसाफती इलाके भी मौजूद हैं, जैसे हुआरो है, मीयून है। फिर भी दरअसल बीजिंग का असल लगता है जो इस मौजों से भी ज्यादा है। आप ही देख सकते हैं कि ये दो कुछ नई इमारतें हैं, जैसे ये बर्ड नाच है, ये नेशनल स्टेडियम है, बर्ड नाच की के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। और साथ साथ इसके साथ ये जो नेशनल स्विमिंग सेंटर है, वाटर क्यूब की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। और ये दोनों इमारतें हैं, स्टेडियम है, ये 2008 में बीजिंग में मुनाकिदा समर ओलंपिक्स के लिए तैयार की गई है। और हम भी साथ साथ देख सकते हैं, वाह, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे सामने एक छोटा सा बीजिंग शहर नजर आ गया है। और हम यहाँ इस सेंसिटिव इस मॉडल की मदद से हम बीजिंग शहर के हवाले से मजमू तौर पर एक जायजा ले सकते हैं और कुछ बुनियादी मालूमात वगैरह हम भी जान सकते हैं। और आप भी देख सकते हैं कि ये जो येरोलंग की छत वाली येरोलंग छत वाली इमारतें हैं, यही फॉरबिडन सिटी है, यही शाही इमारतें हैं। और इन शानदार ये जो शाही इमारतों को देख कर दरअसल हम जो चीन की फने दामियर के बारे में बेहतर जान सकते हैं। और साथ साथ जो चीन में जो ट्रेडिशनल इमारतों की खूबसूरती के हवाले से हम कुछ महसूस कर सकते हैं। और हम यहाँ देखिए ये दो बीजिंग में एक और भाग है, वहाँ जो चीन के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ के मशहूर तरीन इमारतें की शिकल के मुताबिक भाग में मुख्तलिफ मॉडल्स बनाया गया है। और ये जो सब ओलंपिक एरिया है, और ये जो नेशनल स्केट सेंटर है, ये इस वक्त में पॉइंट मेरी फिंगर है, ये नेशनल स्केट सेंटर है। दरअसल ये क्या है, ये बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए तैयार की गई है। तो जनाब देखिए, दो पीछे हैं, मेरे पीछे हैं, इतनी वसी पैमाने पर फैला हुआ है ये मेरा आबाई शहर बीजिंग शहर का मॉडल है। आपको कैसा लगा? तो आप इस नुमाइशी हॉल के हवाले से आपको कैसा लगा? यहाँ बीजिंग के हवाले से मुख्तलिफ जो शुबों से मुख्तलिफ मौजूआत पर मुख्तलिफ ये जो नुमाइशें मौजूद हैं, जैसे बीजिंग की जुग्राफिया के हवाले से और साथ साथ बीजिंग की तारीख के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजिंग की तारीख बहुत पुरानी है, एक बीजिंग एक तारीखी शहर है। और चीन के ये जो हजारों साल की तारीख में बीजिंग कई मरतबा ये जो दारू हुकूमत की हैसियत या का दर्जा दिया गया है, और आज बीजिंग की चीन का दारू हुकूमत है। यहाँ जो सकाफती वसायल से मारामाल शहर है, और बीजिंग शहर की तारीख भी बहुत पुरानी है। और यहाँ ये जो बहुत शानदार, बहुत रंग बिरंगी ये जो लोकल सकाफत भी मौजूद है। और हम जैसे हम इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ बीजिंग की ट्रेडिशनल इमारतों, रिहायशी गाहों की फने तामीर के हवाले से एक नुमाइश की है। हम यहाँ मुख्तलिफ ये जो रिहायश के गेट, मुख्तलिफ स्टाइल्स, मुख्तलिफ ये जो मुजस्मे हैं, यहाँ नुमाइश की जाती हैं, ताकि हम बीजिंग शहर के हवाले से, कदीम बीजिंग शहर के हवाले से कुछ जान सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न सिटी, बीजिंग का मॉडर्न सिटी है, मॉडर्न एरिया है। अगर आप जाए हैं अपराज अपनी आंखों से देख सकते हैं, आवश्यक है ना?
और साथ साथ बीजिंग के डाउनटाउन एरिया में, बीजिंग के मार्केट्स में, जो कदीम शहर में, अब ये जो कदीम शहर की तहफूज पर भी बहुत अहमियत दी जाती है। इसीलिए बीजिंग के मरकजी एरिया में, मरकजी इलाके में, जैसे फॉरबिडन सिटी के आसपास है, अगर आप जाते हैं, आप ही कदीम बीजिंग के हवाले से महसूस कर सकते हैं। और आसपास जो फॉरबिडन सिटी के आसपास है, बीजिंग जो बहुत रिवायती रिहाइश का है,四合院सहन है, सहन की तरह है, और四合院भी खड़े हैं। और साथ साथ बीजिंग में जो खसूसी गलियां हैं, हमें हम胡同कहते हैं, और आप胡同में भी सैर कर सकते हैं। और साथ साथ बीजिंग के मकामी मकान देख सकते हैं, मकामी मकान है,四合院हम कहते हैं। और साथ साथ ये जो बीजिंग की शहरियों की जो दर्ज जिंदगी के हवाले से आप भी कुछ जान सकते हैं। और इसके अलावा बीजिंग शहर में ये जो बहुत सी मशहूर तारीखी इमारतें हैं, मकामात हैं, भी मौजूद हैं, जैसे फॉरबिडन सिटी है, मैंने बार बार जिक्र किया है। और साथ साथ इसके अलावा हेवन टेम्पल है, साथ साथ क्या और क्या है, बहुत सी है मशहूर हैं। और हम साथ साथ जाकर देख सकते हैं बीजिंग शहर में ये जो शुमाल से जनूब तक एक सेंट्रल एक्सिस भरा हुआ है, और इस सेंट्रल एक्सिस की तारीख तकरीबन 700 सालों से भी पुरानी है, और इस सेंट्रल एक्सिस का फासला है तकरीबन 7.8 किलोमीटर है। और इस सेंट्रल एक्सिस के आसपास जो काफी ज्यादा बीजिंग के काफी ज्यादा मशहूर तारीखी मकामात हैं, तारीखी इमारतें हैं, मौजूद हैं। और यहाँ इस नुमाइशी हॉल में ये बीजिंग के सेंट्रल एक्सिस के हवाले से एक नुमाइश भी है, और हम यहाँ पहुंच गए हैं, और हम देख रहे हैं, यही है हमारे सामने हैं। मैंने एक बार फिर ये भी जिक्र किया जाता है कि ये जो फॉरबिडन सिटी है हमारे सामने, हमारे सामने आप देख सकते हैं ये लाइन है, ये जो सेंट्रल एक्सिस है, इस शहर के दरमियान जो शुमाल से जनूब तक गुजर रहा है, फैला हुआ है। और बीजिंग के बहुत से जो मशहूर मकामात हैं, मशहूर इमारतें हैं, इस एक्सिस के दोनों हिस्से आसपास खड़े हैं, मौजूद हैं। और आप देखिए इस सेंट्रल एक्सिस की शुमारी नुक्ते पर ये जॉम टावर है, और ये बेल टावर है, फिर हम जुनूब की तरफ जाते जाते ये जिंगशान पार्क है, और आगे चलते चलते ये फॉरबिडन सिटी है, और आगे आगे चलते चलते फॉरबिडन सिटी से गुजरने के बाद ये टियानमेन स्क्वायर है, और ये दो अजीम अवामी हॉल है। और साथ साथ ये जो बीजिंग के नेशनल म्यूजियम है, और आगे आगे हम चलते हैं ये चंग यांग मन गेट टावर है, और ये है चियनमन गेट टावर। और इसके सामने चियनमन大街，चियनमन स्ट्रीट बीजिंग में एक बहुत मशहूर कमर्शियल स्ट्रीट है। और इस वक्त हम दो चियनमन स्ट्रीट के पास मौजूद हैं, बीजिंग प्लानिंग एक्सपीशन हॉल में हम मौजूद हैं। और हम भी जुनूब की तरफ जाते हैं, आगे चलते हैं, हेवन टेम्पल भी है, और साथ साथ ये योंगडिंग मंगेट टावर है, ये बीजिंग के सेंट्रल एक्सिस के जुनूबी नुक्ते पर खड़े हैं। फिर आप देखें, यहाँ वाकई है, मैं खुद बीजिंग की रहने वाली हूँ, और बीजिंग के हवाले से हम जो बचपन से हम इस सिटी में रहती मैं बचपन से ही इस सिटी में रहती हूँ, और इस सिटी के हवाले से अपने जो जाति तजुर्बात के लिहाज से बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आप देखिए, इस सिटी की तारीख के हवाले से या इस सिटी की जोग्राफिया के हवाले से, यहाँ आकर इस मालूमाती दौरे से मैंने भी बहुत ज्यादा मालूमात हासिल की है, बहुत सीख चुकी है।
ये सीख कर, ये जो तमाम नुमाइश को देख कर और बेजिंग की तारीख के हवाले से और बेजिंग की तरक्की के हवाले से और बेजिंग शहर की मनसूबा बंदी के हवाले से देख कर मैं तो न सिर्फ अपने शहर की तारीख के हवाले से बहुत कुछ बेहतर जानती हूँ, और साथ साथ जो मेरे शहर के फ्यूचर के हवाले से कि मुस्तकबिल के हवाले से मुस्तकबिल में ये शहर किस सीमत तक जो आगे बढ़ेगी और ये शहर की मंसूबे की मनसूबाबंदी कैसे बनाई जाएगी, इस हवाले से मैं भी बहुत कुछ सीख गया है। और मैं सोचती हूँ कि मेरा शहर ये एक बहुत प्यारा शहर है, एक तारीखी शहर है, और मुझे भी तो है कि मेरा शहर, मेरा आबाई शहर बीजिंग मुस्तकबिल में दुनिया को मजीद अपनी खूबसूरती और रौनक दिखाएगा। तो बस आज तबस्सुम के साथ ये जो बीजिंग प्लानिंग एक्सिबिशन हॉल का दौर अब यहाँ तक, और बीजिंग से तबस्सुम को इजाजत दीजिए, और इंतहाई गर्मियों में आप जरूर अपने आप को ख्याल रखेंगे, और प्लीज टेक केयर, और उम्मीद है कि आज आप भी खुश रहेंगे, और हैव अ नाइस डे। तो सी यू, बाय बाय।